हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि मार्केट से सैंड को परचेस करते समय सैंड के कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको कर लेना चाहिए। यह टेस्ट आप किसी भी इंजीनियर्स के न रहने पर भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टेस्ट नंबर फर्स्ट करने के लिए हमें सैंड को हाथ में लेना है और उसे कुछ सेकंड रब करना है। रब करने के बाद सैंड को हमें पुनः डाल देना है। उसके बाद हमें अपने हाथ में देखना है। अगर आपके हाथ में मिट्टी ज़्यादा लगी हुई है तो समझ लो इसमें क्ले कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं पर आपके हाथ में मिट्टी की मात्रा कम है, जैसे कि मेरे हाथ पे लगी हुई है, तो यह सैंड अच्छी है और इसे मार्केट से आप खरीद सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट नंबर सेकंड। इस टेस्ट को करने के लिए हमें थोड़ा सा सैंड को लेना है और उसको अपने टंग में रखकर टेस्ट करना है कि सैंड साल्टी तो नहीं है। अगर सैंड साल्टी है तो समझ लीजिए कि इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा है। या सैंड का उपयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ज़्यादा साल्ट कंटेंट होने के कारण उपयोग के दौरान यह सफ़ेदी छोड़ने लगती है, जिससे इमारत कमज़ोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेस्ट नंबर थ्री करने के लिए हमें किसी सैंड के ढेर से एक मुट्ठी सूखी सैंड को लेना है और उसे एयर के रिस्पेक्ट पे धीरे धीरे छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ने के बाद हमें देखना यह है कि उसमें जो सॉयल की मात्रा है वह ज़्यादा तो नहीं। अगर सॉयल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो एयर के रिस्पेक्ट पे ज़्यादा उड़ने लगेगी। तो इसके लिए इस सैंड को मार्केट से परचेज बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये चिनाई के दौरान जो हमारी सैंड होती है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी और स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं लेस कर देगी, और जो हमारी सैंड है वो धीरे धीरे करके ब्रिक्स के बीच से निकलने लगती है। तो ऐसी सैंड मार्केट से बिल्कुल भी परचेस मत करिए। फोर्थ नंबर पे हम करेंगे विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इस टेस्ट को करने के लिए हमें सिंपली सैंड में यह देखना होता है कि उसमें स्टोन की जो परसेंटेज मात्रा है वो कितनी है। अगर वहाँ पे स्टोन की मात्रा ज़्यादा है तो उस सैंड को बिल्कुल भी परचेस मत करिए। अगर स्टोन की मात्रा सही है और कम है तो उस सैंड को खरीद लीजिए, क्योंकि स्टोन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो हमारा वेस्ट मटेरियल वहाँ पे ज़्यादा निकलेगा और वो किसी उपयोग के लिए नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मकान को बनवा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम कि मटेरियल्स की टेस्ट कैसे करते हैं, ताकि जो मार्केट से फ्रॉड मटेरियल्स लगातार बिक रहे हैं तो उनसे बच सकें और अच्छा मटेरियल परचेस कर पाएँ, तो इसके हमने अपने चैनल पे मटेरियल टेस्ट के नाम से ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहां पे सारे मटेरियल्स के टेस्ट के वीडियो अपलोड है। वहां पे जाकर आप वीडियो को देख पाएंगे और मार्केट से अच्छा मटेरियल परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।